दोस्तों अगर आप BKL राहुल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में IPL 2023 का 37वां मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 56 रनों से शानदार तरीके से जीत लिया, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते 257 रन जैसा पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा लक्ष्य IPL के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया पंजाब के खिलाफ लखनऊ की टीम ने। इतने टारगेट का पीछा करते हुए 201 रन पर ही पंजाब की टीम ऑल आउट होकर रह गई और 56 रनों से अंत में लखनऊ की टीम ने मुकाबला जीत लिया। आगे देखिए आज के मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों आगे आपको देखने को मिलेगी आज के मुकाबले की बॉल बाई बॉल पूरी। दोस्तों अगर आप भी पंजाब किंग्स को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में IPL 2023 का 38वां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो पंजाब किंग्स के कप्तान गब्बर शिखर धवन ने टॉस जीता, गेंदबाजी को चुना मोहाली के छोटे से मैदान पर। काइल मेयर्स ने आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई लखनऊ सुपर जायंट्स को, जैसे कि वो हमेशा करते हैं, लेकिन एक और बार खराब बल्लेबाजी कर कप्तान KL राहुल आउट हुए। दोस्तों रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का ऐसे बड़े इस तरीके से KL राहुल स्लिप में शाहरुख खान ने शानदार कैच लपक ली। कप्तान KL राहुल 12 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते आउट हुए, लेकिन कप्तान की कमी को महसूस होने नहीं दिया काइल मेयर्स ने। वेस्टइंडीज के ताबड़तोड़ बल्लेबाज ने मैदान पर चौकों और छक्कों की बारिश की, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और 20 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, मात्र 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया काइल मेयर्स ने, जिसे देखकर चिंता बढ़ती जा रही थी गब्बर धवन की। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रबाड़ा के अपने बल्ले गए जेवेटे काइल मेयर्स, धवन ने ही इस तरीके से लपक ली कैच, बड़ी विकेट मिली पंजाब को। 54 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते काइल मेयर्स आउट हुए। 7 ओवर में 80 रन के पार चली गई है लखनऊ की टीम। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी थोड़ी सी खराब रही पावर प्ले में, जिसके चलते काफी रन बन गए लखनऊ के 7 ओवर में ही। दोस्तों लेकिन उसके बाद तो और भी बड़ा तूफान आया मार्कस स्टोइनिस, आयुष बदोनी और निकोलस पूरन के रूप में। दोस्तों सिर्फ 30 गेंदों पर मार्कस स्टोइनिस ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक लगाने के बावजूद भी इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी 72 रन तक बरकरार रखी। 272 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर जितेंद्र शर्मा को इस तरीके से कैच देकर आउट हुए, लेकिन एक खतरनाक पारी खेलकर आउट हुए मार्कस स्टोइनिस। 72 रन बनाकर 40 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके पास शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे आयुष बदोनी, जो तीसरे नंबर पर आए थे। 43 रन बनाकर लिविंगस्टोन की इस गेंद पर छक्के से अपना अर्धशतक पूरा करने की चाह में पीछे खड़े दीपक चहर को अपनी कैच दे बैठे। दिस गलत इस मुकाबले में 7 रन दूर अपने अर्धशतक से आउट हो बैठे 43 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते आयुष बदोनी। लेकिन उनके बाद आए निकोलस पूरन, आते इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 7 चौके और एक छक्का लगाकर 45 रन तक निकोलस पूरन पहुंच गए। सिर्फ 19 गेंदों में दूसरा हाईएस्ट टोटल प्राप्त कर चुकी थी लखनऊ की टीम, तभी निकोलस पूरन भी इस तरह से LBW आउट होकर रह गए। 45 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई इनके द्वारा भी। तीनों ही बल्लेबाजों ने IPL के इतिहास में दूसरे बड़े टोटल तक पहुंचा दिया लखनऊ की टीम को। अंत में आकर 257 रन बनाए लखनऊ की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर, जो IPL इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में इतना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई पंजाब की टीम, जिसके चलते अंत में 56 रनों से लखनऊ की टीम ने पंजाब को मुकाबला हरा। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने शानदार तरीके से इतना बड़ा लक्ष्य बना भी लिया और इसको डिफेंड भी किया, जिसके चलते 56 रनों से मुकाबला जीत गई। लेकिन दोस्तों अब लखनऊ की शानदार जीत को